हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू। गाइज, ये है न्यू ऑल्टो K10 2022। इस गाड़ी में पहले के मुकाबले स्टाइलिंग, टेक्नोलॉजी, साइज, हाइट एंड कुछ फीचर्स अपडेट किए गए हैं। न्यू ऑल्टो K10 2022 को अब मारुति सुजुकी ने बिल्कुल रिफ्रेश वर्जन में लॉन्च किया है। तो चलिए करते हैं ऑल्टो K10 2022 की फास्ट एंड टेक रिव्यू। लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी एंड आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो करना सबसे पहले बात करें गाड़ी के फ्रंट की, तो यहाँ आपको दिखता है हेडलैम्प असेंबली, जिसमें आपको मिलता है हैलोजन पायलट लैंप एंड टर्न इंडिकेटर। बात करें गाड़ी के प्राइस की, तो ये एक्सपेक्टेबल 4.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस पर इंडिया में मिल सकती है। बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ आपको 31 लीटर कैपेसिटी फ्यूल टैंक के अलावा 145/80R13 साइज व्हील्स मिल रहा है। इसके अलावा आपको दिखता है छोटा सा टर्न इंडिकेटर। बात करें गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ आपको ऑल्टो K10 एंड सुजुकी बैचिंग दिखती है। इसके नीचे दिया गया है दो पार्किंग सेंसर्स एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप। डिफॉगर वाइपर जैसी चीजें यहाँ नहीं दी गई है। बात करें गाड़ी के टेल लैंप की, तो यहाँ आपको हैलोजन स्टॉप लैंप, रियर पार्किंग लैंप एंड टर्न इंडिकेटर दिखता है। बात करें गाड़ी के फ्रंट डोर ट्रिम की, तो यहाँ आपको सिल्वर फिनिश गेट अनलॉक हैंडल, बोतल होल्डर, स्पीकर एंड सम एक्स्ट्रा स्पेस दिखता है। इसके अलावा यहाँ दिया गया है मैनुअल ORVM कंट्रोल। बात करें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ आपको दिखता है स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, बैटरी लेवल के अलावा और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद बात करें गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो यहाँ आपको मिलता है डुअल टोन स्टीयरिंग, जिसके नीचे आपको दिखता है टेलीफोनिक कंट्रोल्स, वहीं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिया गया है। बात करें गाड़ी के स्टीयरिंग सेटिंग की, तो ये बिल्कुल फिक्स है, यहाँ किसी तरह की सेटिंग्स नहीं दी गई है, मतलब स्टीयरिंग। यहाँ आपको दिखता है हेडलैम्प लेवलर, यहाँ दिया गया है वाइपर कंट्रोल्स। इसके अलावा राइट साइड में मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल्स दी गई है। बात करें गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो विद 7-inch टच स्क्रीन दिया गया है, जिसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले विद सम बेसिक फीचर्स। इसके नीचे आपको दिखता है पावर विंडो कंट्रोल्स, बीच में दिया गया हैजार्ड लाइट बटन, उसके नीचे दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, उसके नीचे आपको दिखता है 12-volt चार्जिंग सॉकेट एंड USB ऑक्स, उसके नीचे दिया गया है फोन होल्डिंग स्पेस, यहाँ आपको दिखता है बोतल होल्डर। इसके अलावा आपको मिल रहा है डिफाइंड 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, पर आपको दिखता है मैनुअल ORVM माइक एंड केबिन लाइट्स, यहाँ आपको दिखता है छोटा सा ग्लव बॉक्स, उसके ऊपर दिया गया है AC वेंट्स। बात करें गाड़ी के रियर डोर ट्रिम की, तो यहाँ अगेन आपको सिल्वर फिनिश गेट अनलॉक हैंडल विद मैनुअल विंडो कंट्रोल, स्पीकर ग्रिल एंड सम एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। बात करें गाड़ी के सिटिंग पोजीशन की, तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट विद हेडरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा ऑल्टो K10 2022 में आपको मिलता है 200 लीटर्स का बूट स्पेस विद पार्सल ट्रे। इसके अलावा बात करें गाड़ी के इंजन की, तो यहाँ आपको K10C सीरीज इंजन विद ड्यूअल जैक टेक्नोलॉजी इंजन ऑफर किया गया है, जो 66 PHP पावर एंड 189 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा बात करें गाड़ी में सेफ्टी की, तो यहाँ आपको ABS EBD विद फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिल रहा है। ऑल्टो K10 2022 के साथ मारुति सुजुकी 25 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करती है। सो गाइज, ये थी न्यू ऑल्टो K10 2022 की फास्ट एंड टेक रिव्यू। कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो कीप सपोर्ट, लीव ए लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।